हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, आज जो हम परसेंटेज का सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं और उसमें एक नया टॉपिक देखेंगे बच्चों, जो कि है आपका जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। क्योंकि मैंने आपको अलग अलग टॉपिक पे परसेंटेज का क्वेश्चन कराए हैं और आज जो कराने वाला हूँ वो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है, जो कि बार बार क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता रहता है। ठीक है ना बच्चों, तो आइए देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास है और ये है एसएससी सीजीएल टीयर 1 2020 का क्वेश्चन बच्चों। ठीक है ना, यहाँ देखिएगा एसएससी सीजीएल का है ये बच्चों। ठीक है ना, एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है बच्चों। अब एक बात यहाँ पे देखना ये है कि इसे आसान तरीके से कैसे करेंगे, क्योंकि सीजीएल का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या पहले 30% बढ़ी और अगले वर्ष 15% कम हो गई, यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। ये बात आपसे पूछ रहा है बच्चों। ठीक है ना, आइए जरा देखते हैं इस पे भी। ठीक है बच्चों, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले जनसंख्या बोल रहा है कि बच्चा बढ़ी है। ठीक है ना, तो एक बात बताइए, कह रहा कि 30% बढ़ी है, मतलब 100 थी तो 130 हो गई, बात समझ में आया। फिर कह रहा कि अगले वर्ष 15% कम हुई है, मतलब 100 थी तो क्या हो गई बच्चों, 85 हो गई। ठीक है ना, क्यों 85, मतलब 15 कम हो जाएगा 100 में, 85 हो जाएगा। और करना कुछ नहीं है, बटे में 100 लाना है और यही टोटल जो जनसंख्या है वो कितनी हो जा रही है, वर्तमान जनसंख्या इतनी हो जा रही है बेटा। ठीक है ना, क्योंकि वर्तमान जनसंख्या कहने का मतलब है कि बढ़ने और घटने के बाद जो जनसंख्या आ रही है वो इतनी आ रही है। तो कह रहा है कि बताओ कि पहले 2 साल जो पहले इनके बढ़ने, क्योंकि पहले साल और ये अगले साल बढ़ रही है, 2 साल ये तो हो चुके हैं, तो इससे पहले जनसंख्या कितनी थी। तो बच्चा एक बात बताओ, पहले जनसंख्या तो 100% ही थी ना बच्चों, पहले जनसंख्या 100% थी, इसी 100 में पहले एक साल 30% बढ़ा और एक साल जो है 15% घट गया है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ से बेटा कटाओगे कट जाएगा, अगर फिर से अगर 13 से कटाएंगे आप तो ये जो है आपका 85 बार में कटेगा, फिर 85 कटा देंगे एक बार में कटेगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 1% बराबर ये 100 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, मतलब 1% 100 के बराबर है। तो बेटा यहाँ पे 100% किसके बराबर होगा, 100% किसके बराबर होगा, तो 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे मतलब कितना आ जाएगा आपका, ये 10,000 आ जाएगा और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है बच्चों, मतलब पहले 2 साल पहले जो जनसंख्या थी वो थी आपकी 10,000। देखिए इतना आसान तरीके से क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। एक बार इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लेते हैं फटाफट आगे जो भी जिस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं कंसेप्चुअली, उस सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते रहेंगे बच्चों। ठीक है ना, अपने दिमाग में सारा चीज़ यहाँ पे रखते चलना है, रखने के बाद जो है सारी चीज़ें आपको देखना है बच्चों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर चलते हैं आगे बच्चों। चलिए, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं बेटा मैं कराऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। 2020 का ये क्वेश्चन था एसएससी सीजीएल टीयर 1 का बच्चों। ठीक है ना, चलिए अब जो है आगे चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न बेटा दिया गया है, यहाँ पे कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या, ठीक है बच्चों, एक ध्यान दीजिएगा, एक शहर की जनसंख्या, एक शहर की जनसंख्या, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में समय लग सकता है बेटा। ठीक है ना, पहले जो है पहले वर्ष 25% से बढ़ती है। ठीक है बच्चों, से बढ़ती है, पहले वर्ष 25% से बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष 36% से बढ़ती है। ठीक है बच्चों, तथा दूसरे वर्ष 36% से बढ़ती है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पे, तो जनसंख्या में वृद्धि की औसत दर क्या है। तो जनसंख्या में वृद्धि की औसत दर क्या है बच्चों। ठीक है ना, औसत दर क्या है, दर परसेंटेज में ज्ञात करना है क्या है। अब ज़रा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से 7 मेथड से होने वाला क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है ना, अब देखना बस ये है ना
कि क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया ना तो आप बहुत ही आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या कह रहा है, एक शहर की कोई ना कोई जनसंख्या रही होगी, वो संख्या क्या आपको पता है क्या? नहीं, हम मान के चलेंगे 100% जनसंख्या की, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि पहले वर्ष 25% बढ़ती है, फिर कह रहा है दूसरे वर्ष जो है वो 36% बढ़ती है, तो जनसंख्या में जो वृद्धि टोटल होती है वो कितना हो रही है। ये बात तो है अपने आप में। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा कि आखिर जो है कितनी वृद्धि हो रही है। तो सबसे पहले जो है आप इस 25 का जो है कह सकते हैं कि भिन्न के रूप में अगर लिखेंगे 25% को तो कितना आएगा बच्चों यहाँ पे, तो सीधी सीधी बात है 1/4। 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं, मतलब पहले जनसंख्या 4 थी, पहले वर्ष की बात बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप पहले वर्ष और ये दूसरे वर्ष की बात हो रही है। पहले वर्ष जो है 25% बढ़ती है, मतलब उसका जो फैक्टर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। और कह रहा है दूसरे वर्ष 36% बढ़ती है, 36 बढ़ने का मतलब क्या हुआ, 4 × 36 और बटे में 25 × 100, इतना फैक्टर में अगर उसको आप चेंज करेंगे, आप उसको क्या करेंगे अगर भिन्न में चेंज करेंगे तो 9/25 आ जाएगा, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये नीचे वाला मूल वैल्यू होता है बच्चों, और ऊपर वाला कितना बढ़ा ये दिखाता है, मतलब पहले साल अगर 4 थी तो 1 की वृद्धि हुई है, मतलब 4 में 1 की वृद्धि बेटा कितना हो गया, 5 हो गया। और फिर यहाँ पे कह रहा है जब वो 25 था तो 25 में कितने की वृद्धि दिखा रहा है, 9 की वृद्धि दिखा रहा है बच्चों, ठीक है ना, 9 की वृद्धि, मतलब पहले 25 था अभी कितना हो गया, 34 हो गया बच्चों, ठीक है ना, 9 की वृद्धि होने के बाद 34 हो गया। अब आपको करना कुछ नहीं है, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ इन दोनों का आपको गुणा कर देना, तो 25 × 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 170, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 170। अब आप बताइए कि पहले कितना था, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ये मूल वैल्यू है बच्चों नीचे वाली, तो पहले टोटल कितना था, 100% था बच्चों, कितना बढ़ा है इसमें, 70 की वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई बच्चा यहाँ पे, 70 की। लेकिन आपसे वो 70 वो पूरा वृद्धि नहीं पूछ रहा है आपसे, याद रखिएगा वो वृद्धि बिल्कुल नहीं पूछ रहा है, औसत वृद्धि पूछ रहा है। और औसत वृद्धि का मतलब क्या होता है कि कुल वृद्धि बता में कितनी बार बढ़ी है, ठीक है ना। क्योंकि जब हमने कक्षा 10 में माध्य पढ़ा था तो कुल परिमाण बता में क्या होता है, नंबरों का संख्या, ठीक है बच्चों, नंबर कितने नंबर थे उनकी संख्या। तो यहाँ पे कितनी बार वृद्धि हुई बच्चों, 2 बार वृद्धि हुई है ना, 1+1 मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 से कटाएंगे तो 35 आ जाएगा। ये 35% जो है औसत वृद्धि है। बहुत सारे बच्चे 70 करके आएंगे, 70 गलत हो जाएगा क्योंकि औसत वृद्धि पूछा है बच्चों, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 2 बार हुई है तो 2 से कर देंगे, 3 बार होती 3 से करते, 4 बार अगर वृद्धि होती तो 4 से करते बेटा, ठीक है ना। तो जल्दी से आप इसका भी क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को, ठीक है ना। देखिए सारे क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल तरीके से होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं जरा, क्योंकि सारा क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस को हमें करना है। और जब सारा क्वेश्चन एक बार कर लेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ अब इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो हम आसानी से बना सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। और क्वेश्चन बनना ही चाहिए, क्योंकि देखिए अगर सफलता पानी है, मंजिल तक पहुंचना है, तो मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता केवल मेहनत की होता है, उससे अलग कुछ नहीं, ठीक है बच्चों। तो आप आगे देखिएगा, यहाँ पे अगले प्रश्न में बेटा आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए जरा, यहाँ पे कह रहा है कि एक शहर पटना है बेटा, ठीक है ना। कह रहा है कि शहर की आबादी, मान लेते हैं शहर की आबादी जो है वो कितना है बेटा, 96,000 है, ठीक है ना, 96,000। शहर मैं दिल्ली ले लेता हूँ यहाँ पे, चलिए मैंने मान लिया ये दिल्ली शहर है, ठीक है ना। दिल्ली शहर की जो आबादी है वो 96,000 है। कह रहा कि आबादी घटती दर से बच्चों, ठीक है ना। कह रहा है यहाँ पे आबादी, एक बार मैं क्वेश्चन लिख करके आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। आबादी की घटती दर क्या है बच्चों, प्रति साल 800 है, ठीक है बेटा। कितना है, 800 है, प्रति साल 800 से आबादी घट रही है। फिर यहाँ पे दे रहा है कि एक है आपका मुंबई, है ना, मुंबई शहर की आबादी, ठीक है बच्चों, या मुंबई शहर की आबादी, मुंबई शहर की आबादी बेटा यहाँ पे 68,000 है। कितना है, 68,000 है, ठीक है ना। चलिए आबादी की बढ़ती दर प्रति वर्ष कितना है, 1200 है। आबादी
कि बढ़ती दर कितना है बेटा, 1200 प्रति वर्ष है बेटा, ठीक है ना, 1200 प्रति वर्ष है। बात समझ में आई? अब कह रहा दोनों जगहों की आबादी कितने साल में बराबर हो जाएगी, जरा ध्यान दीजिएगा, दोनों जगहों की आबादी, ठीक है ना, या दोनों शहरों की आबादी कितने वर्ष में क्या हो जाएगी बेटा, कितने वर्ष में बराबर हो जाएगी, ठीक है ना, बराबर हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ना क्वेश्चंस को कह रहा है कितने वर्ष में बराबर हो जाएगी, तो दो तरीके से कर सकते हैं। मेरे पास एक छोटा सा मेथड है बच्चों, ठीक है ना, जब भी आबादी बराबर होने की बात करती है इस टाइप का क्वेश्चन, और आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि हमेशा क्या होगा, दोनों शहरों की आबादी, ठीक है ना, मान लेते हैं दोनों शहरों की जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन जो है P1 और यहाँ पे P2, ठीक है ना, बटा में यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे कह रहा कि घटती बढ़ रही है, जो जनसंख्या घट रही है बढ़ रही है, जो उसका जनसंख्या का दर है वो घट बढ़ रही है बच्चों, तो उसको हम ले लेते हैं क्या, R1 ± R2। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कह रहा है क्यों ±R2, ठीक है ना, कह रहा है कि अगर जनसंख्या बढ़ रही है और एक जनसंख्या घट रही है, तो घटने वाली जनसंख्या माइनस में होती है बच्चों, घटने वाली जनसंख्या क्या होती है, माइनस में होती है, और बढ़ने वाली जनसंख्या प्लस में होती है, तो आप नॉर्मली यहाँ पे प्लस माइनस कर सकते हैं और आपका जो है वो एन निकल के आ जाएगा। ये मैंने आपको सूत्र लिखा, लेकिन ऐसे लिखने उखने की ज़रूरत आपको कुछ नहीं है, सीधे सीधे जिसकी ज़्यादा आबादी है क्या करेंगे 96,000, और जौन शहर की कम आबादी है उसमें क्या करेंगे 68,000 बटे में, कह रहा है कि 1200, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 1200, ठीक है ना, माइनस करना था हमें क्या करना था बेटा, अगर आबादी बढ़ रही, क्योंकि यहाँ पे जो है माइनस करना था, लेकिन कह रहा है कि यहाँ पे तो आबादी आपकी घट रही है ना बच्चों, प्रति साल घट रही है, यहाँ पे घट रही है और घट रही है, तो आपको क्या करना है, माइनस लगाना है, तो सूत्र में हमेशा याद रखें जो मैं प्लस माइनस लिखा था वहाँ केवल माइनस होगा, ठीक है ना। अब ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि 1200 माइनस, अब ये माइनस 800 लेके आएंगे तो बेटा प्लस 800 हो जाएगा ना, क्योंकि घट रही है, घटना का मतलब माइनस दिखाएगा वहाँ पे। अब बेटा एक बात बताइए आप लोग, कितना हो गया टोटल, ये हो जाएगा आप घटाएंगे तो लगभग 24,000 के आसपास, ठीक है ना, 24,000 है ना बच्चों, कितना हो जाएगा, एक बार मैं घटा लेता हूँ, ये 2 जीरो तो पीछे ऐसे लग जाएगा 3 जीरो, और 16 में से गया तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 8 में से 6 ये हो जाएगा यहाँ पे, और ये 26 हो जाएगा, है ना, चलिए ये कितना हो जाएगा 26, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे तो 16 है बच्चों, 96,000 है, अगर 16 में से अगर 8 घटाएंगे तो 8 ही आएगा ना, और तो कुछ आएगा नहीं, ठीक है, और यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गया आपका 8, तो 16 में से 8 गया, 8 हो गया बेटा, और यहाँ पे आ गया 2, और बटे में आ जाएगा, ये जोड़ देंगे तो आप 2000 कट गया यहाँ से, ये कटेगा कितना आएगा 14 वर्ष, यानी जो आपका ये वर्ष आ गया वो 14 वर्ष में जो जनसंख्या है वो बराबर हो जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को पूछता है, दो शहरों की जनसंख्या जब भी बराबर होने का क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले आपके दिमाग में जानी चाहिए कि पहले शहर की जनसंख्या दूसरे शहर की जनसंख्या दोनों को माइनस करना है, फिर दूसरी चीज़ कितनी जनसंख्या वहाँ पे घट बढ़ रही है उनको माइनस करना है, ठीक है ना, लेकिन उनको तो माइनस करेंगे यहाँ पे, लेकिन जो बढ़ रही है वो तो प्लस में रहता है, जाहिर सी बात है, लेकिन जो घट रही है वो क्या होगी, वो तो बेटा माइनस में होगी ना, लेकिन जब दोनों बढ़ रही होंगी तो घटाते हैं, और दोनों क्या हो रही हैं, एक बढ़ रही है और एक घट रही है, तो जोड़ते हैं यहाँ पे। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए तो यहाँ पे आ गया 14 वर्ष, तो आप जो है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं आगे बच्चों, ठीक है ना, चलते हैं आगे। देखिए इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ, अगर मान लीजिए कि आपको ये चीज़ें भूल गया तो आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, कैसे, कह रहा है कि दोनों की जनसंख्या बराबर हो जाएगी, पता नहीं है कब हो जाएगी, ठीक है ना, तो एक बात आई कि माना, ये मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि बेसिक से कैसे करेंगे, ये नॉर्मल शॉर्ट से करेंगे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि ये 96,000 था, ठीक है बच्चों, 96,000 में प्रति वर्ष जो है वो घट रही है कितनी दर से बच्चों, ये घट रही है 800 के दर से, तो कितने वर्ष में, तो यहाँ पे जो एन 14 निकला है ना, तो कितने वर्ष घटेगी कि अगले वाली जनसंख्या से क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो मैंने मान लिया कि एन वर्ष घटेगी, ये तो परिवर्तित नहीं होगा, ये ना घट रहा है जी प्रति साल। अब बताइए जरा, अब कह रहा है कि अगला शहर जो मुंबई है वहाँ पे तो कुल 68,000 जनसंख्या थी,
लेकिन वहाँ जनसंख्या बेटा बढ़ रही है, कम है और जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी तो इसके बराबर आएगी ना, क्योंकि अधिक जनसंख्या है। अब बताइए जरा, तो यहाँ पे 1200 के दर से बढ़ रही थी, अब 1200 कितनी बार बढ़ेगा, कितने वर्ष में बढ़ेगा कि इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसे यहाँ भी मैंने मान लिया n। यहाँ देखिए बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। अगर ये इधर लेके आएंगे तो 96,000 ठीक है ना, माइनस क्या हो जाएगा बेटा आपका 68,000 और बराबर 800 हो जाएगा, जुड़ जाएगा मतलब ये 2000 n हो जाएगा, और यहाँ घटेगा तो ये हो जाएगा बेटा 28,000, और ये 2000 को आप नीचे लाएंगे तो ऐसे हो जाएगा बराबर n हो जाएगा, ये कट जाएगा, इससे कटाएंगे 14 बार में कटेगा, यानी n बराबर क्या आ गया 14 वर्ष आ गया। इतना सारा करना पड़ जाएगा कैलकुलेशन आपको, ठीक है ना, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये जो है आपका आप साथ में ऐसे कर सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है ना, आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं, क्योंकि बेसिक वाला जो होता है बच्चों वो भूलता नहीं है, अपन लोग पहले बेसिक ही पढ़ते थे बच्चों, ठीक है ना, अगर आपने एक बार बेसिक पढ़ लिया ना तो ट्रिक आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, आप ऑटोमेटिक उस क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में करने लगेंगे। जैसे ही आपने बेसिक पढ़ लिया ना और बिना बेसिक पढ़े आप सोचेंगे कि ट्रिक से करें, तो आप उन्हीं क्वेश्चन को कर पाएंगे जिन क्वेश्चन पे आपने प्रैक्टिस किया है केवल, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने बच्चों क्या कर लिया, अगर बेसिक पढ़ लिया, बेसिक पढ़ने का मतलब आप किसी भी क्वेश्चन को जब एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे अब आप शॉर्ट मेथड से लगाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है अपना, जरा उन्हें भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 5% से, ठीक है ना, यहाँ देखिएगा एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 5%, ठीक है बच्चों, 5% से दूसरे वर्ष 6% से तथा तीसरे वर्ष 8% से बढ़ती है। जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है ना। कह रहा शहर की वर्तमान जनसंख्या कितना दिया बेटा यहाँ पे, ये दिया है, यहाँ देखिए 124, ठीक है बच्चों, इतना जो है शहर की वर्तमान जनसंख्या बेटा, ठीक है ना। और कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व जो है शहर की जनसंख्या कितनी थी, 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, मतलब मूल जनसंख्या की बात कर रहा है, ठीक है ना। 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या बेटा, ठीक है ना, याद रखिएगा शहर की जनसंख्या 3 वर्ष पहले आपसे पूछ रहा है। अब जरा बताइए यहाँ पे कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहले आप इसको क्या कर लीजिए, 5 का अगर आप देखेंगे, 5 की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चों यहाँ पे, तो आप कहेंगे 5 का जो अगर भिन्नात्मक वैल्यू कहेंगे बच्चों भिन्न के अंदर, तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं ना, 1/20, क्योंकि 5/100 होगा, 5×5 से 100 कटाएंगे 20 बार में। यहाँ पे देखेंगे जो 6 दिया गया है 2 से कटाएंगे तो 3/50 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कटाएंगे तो क्या होगा 2/25 हो जाएगा इसकी वैल्यू। और ज़रा एक बात बताइए, कह रहा है कि पहले क्या था, ये 20 था, 20 से 1 बढ़ा कितना हो जाएगा 21, पहले 20 था अभी 21 हो गया, क्योंकि ऊपर वाला बढ़ा हुआ दिखाता है। कह रहा है कि पहले 5% बढ़ता है, 6% बढ़ता है, तीसरे वर्ष 8% बढ़ता है, तो यानी कि पहले 20 था तो पहले वर्ष में कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, 21 हो गया, मतलब 21/20 मल्टीप्लाई। फिर कह रहा है बेटा यहाँ पे लालू जरा ध्यान देना, पहले 50 था अभी कितना हो गया, पहले 50 था अभी 3 बढ़ गया तो कितना हो गया 53/50 हो गया। फिर यहाँ कह रहा है कि पहले 25 था 2 बढ़ गया 27 हो गया, मतलब कह सकते हैं तो 27/25 हो गया, और यही टोटल बढ़ने के बाद जो जनसंख्या हुई है वो इतनी आ रही है बेटा, बात समझ में आई। तो कह रहा है कुल जनसंख्या कितनी थी, तो बेटा एक बात बताओ, टोटल जनसंख्या तो 100% थी, क्योंकि टोटल को तो 100% मान के चलते हैं, तो सबसे पहले ये ऊपर से जो है कटाओगे 4 बार में कट जाएगा, कटा के देखना आप, ठीक है ना।
और ये बच जाएगा एक बटा में नीचे का गुणा करोगे, यहाँ देखो 1000 होगा इन दोनों का गुणा और 25 से कर देंगे तो 25000 बराबर 4, मतलब यहाँ पे जो इतना परसेंट था 25000 जाएगा 25 चौके 100, मतलब यहाँ पे जो टोटल एक की बात हो रही है, टोटल एक की बात, ठीक है बच्चों, टोटल एक की जो बात हो रही है वो कितनी है, यहाँ पे टोटल जो एक हो जाएगा आपका, अगर ये 25% है तो इधर जाने के बाद कितना हो जाएगा, 4 गुणे 25 हो जाएगा, ठीक है ना, 25000, 25 चौके बेटा कितना होगा, 100 हो जाएगा और 3 जीरो इसके पिछवाड़े लगा देना, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका टोटल आंसर। क्योंकि पहले जो संख्या थी वो बेटा इतनी थी, और क्या है कि पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष बढ़ने के बाद जो जनसंख्या है वो इतनी हुई थी। बात समझ में आई, मूल जनसंख्या आपको यहाँ पे टोटल पता चल गया, आपको यहाँ पे पूरा का पूरा आंसर आ गया बच्चों, ठीक है ना। तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं आगे, आगे के प्रश्न को देखते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आप करेंगे वो आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, और ये सारे क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं इस सारे क्वेश्चन को रखता हूँ बच्चों, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले थे। आगे के प्रश्नों को देखते हैं यहाँ बेटा, कह रहा है यहाँ पे एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, ठीक है बच्चों, कह रहा है एक स्कूल में, एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, छात्र हैं, ठीक है बच्चों, चलिए ये भी बात हो गया। फिर कह रहा है कि उनमें 25% चश्मा लगाते हैं, उनमें 25% चश्मा लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, लगाते हैं, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और कह रहा है इसमें बेटा कि और चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं, चश्मा लगाने वालों में, चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिए तो कह रहा है कि स्कूल में चश्मा लगाने वाली लड़कियां कितनी हैं, स्कूल में चश्मा लगाने वाली लड़कियां कितनी हैं बच्चों, ठीक है ना, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, स्कूल में, स्कूल में चश्मा लगाने वाली, लगाने वाली लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां कितनी हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा, लड़कियां कितनी हैं बाबू। अब ज़रा एक बात बताओ, क्वेश्चन तो ये रहा लेकिन क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कह रहा है कि छात्र कितने हैं, 1400 हैं टोटल, 100% है बच्चों ये। अब ज़रा एक बात बताइए, कह रहा है ना कि 100% छात्र हैं बेटा और 25% चश्मा लगाते हैं, ठीक है ना, कितने लगाते हैं, 25%, मतलब ज़रा ध्यान दीजिएगा कि 1400 का 25% निकालेंगे ना, 1400 का जो है 25% कितना निकल के आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे आप अगर देखेंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये 25 को अगर आप भिन्न में चेंज करेंगे तो 1/4 आएगा ना बच्चों, और ये 4 ही तो कुल था, 4 में एक जो है क्या है, चश्मा लगा रहे हैं, 4 बच्चों में एक बच्चे चश्मा लगा रहे हैं, तो यानी कि ये नीचे वाली जो वैल्यू है वो ओरिजिनल वैल्यू है, कह रहा नहीं 4 नहीं है बल्कि 1400 हैं, 4 नहीं है बेटा कितने हैं, 1400 हैं, चलिए मान लेते हैं कितने हैं यहाँ पे, 1400 हैं। बात समझ में आई, ये 1400 4 से कितना गुना ज़्यादा है, तो 350 गुना ज़्यादा है, जो 1400 है वो 4 से कितना गुना है, तो 1400 गुना है, तो ये एक कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे एक जो है इसको भी 350 गुना कर देंगे तो क्या होगा, 350 आ जाएगा, ये कुल हो गए, ठीक है ना, ये कुल, क्योंकि 25% कुल छात्र का 25% लगाते हैं, तो ये कुल जो है चश्मा लगाने वाले हैं, लेकिन कह रहा है कि नहीं एहू में जो है ना 2/7 तो लड़के हैं जो चश्मा लगाते हैं, तो लड़कियां बताओ कितना है, ये बताओ जब 2/7 सात गो में 2 गो लड़का का चश्मा लगा रहा होगा तो 5 गो लड़की लगा रही होगी चश्मा, मतलब होकर क्या होगा, 5/7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ 5/7 से गुणा कर लोगे तो कितनी बार में कटेगा, 50 बार में, और गुणा होकर 2500, ये लड़कियों की आंसर आ जाएगा बच्चों। बात समझ में आया, एकदम नॉर्मल तरीके से आंसर आपका आ गया है, फटाफट जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चों, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों यहाँ पे, क्योंकि जितने भी प्रश्न आपके हैं वो सारे के सारे जो हैं इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं,
और मैं प्रयास करता हूँ कि सारे तरह से क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे लाया जाए, ताकि जो है आप एग्ज़ाम में एक बेहतर तैयारी कर सकें बच्चों, ठीक है ना। चलिए एक प्रश्न और यहाँ पे ले लेते हैं। कह रहा है यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, यदि किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं, ठीक है बच्चों, 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है, ठीक है ना, और लड़कियों की जो संख्या है 812 है, ठीक है ना, 812 है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, लड़के पूछ रहा है विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, कुल कितने लड़के हैं, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन को अपन लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले बताइए कि लड़के हैं, लेकिन हमें सबसे पहले ये पता है कि बताओ कि कुल कितने हैं। तो कुल तो 100% होंगे, पूरे छात्र जो हैं विद्यालय में 100% होंगे। इस 100% में 60% लड़का है और 40% लड़की है। ये कौन है, लड़का है ना जी, यही कौन है, लड़की है, लकड़ी है ना जी। अब ज़रा ध्यान देना यहाँ पे, अब कह रहा है कि यहाँ पे 40% डेटा है और यहाँ पे 60% डेटा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा नहीं 40% नहीं है बेटा, ये 812 हैं, समझे, 812 हैं, लीला कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। यानी जो 40% है, यहाँ जो 40% है बेटा, वो किसके बराबर है, 812 के बराबर है। 1% किसके बराबर होगा, 812 बटा 40 के बराबर होगा, नीचे जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लड़कियां कितना थी, 60 थी। अगर 1% इतना के बराबर है तो 60% कितना के बराबर होगा, तो 60 से दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, है ना। तो देखिए 0 से 0 ख़त्म, 4 से ख़त्म करेंगे, 4 × 8, 4 × 3 = 12, कोई दिक्कत नहीं है। और आंसर क्या निकल के आएगा, 6 × 3 = 18, 6 × 12, यानी टोटल लड़के जो हैं वो कितना है, 1218 है बच्चों। यहाँ पे जो है आपका आंसर आ चुका है। अब बताइएगा आपको आज का जो वीडियो है इसमें जो क्वेश्चंस है वो कैसे लगे हैं, और मैंने प्रयास किया है कि सारे क्वेश्चंस को जो है एक शॉर्ट मेथड से बताऊं और सारे क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, जय हिंद।